प्रदेश का भी हुआ करता था। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। याद करिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व का दायित्व तो मुझे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय बन गया, 55 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन गया, 10 करोड़ गरीबों को वहां पर भाइयों बहनों आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड बन गया है, और यही नहीं 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों वहां पर 6 लाख गरीबों 6 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दे दी है, और 1.61 करोड़ नौजवानों को उत्तर प्रदेश में जो निवेश हुआ है उस निवेश के माध्यम से रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है। उत्तर प्रदेश में 2.52 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों आपके तेलंगाना में यहां का नौजवान भटकने के लिए मजबूर है, यहां का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां की सरकार केवल शोषण कर रही है, यहां पे पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार परीक्षा नहीं करा सकती क्या वे राज्य का संचालन कर सकती है क्या?